ये देखिए, कंप्रेसर को काटने से अंदर कंप्रेसर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको पूरे बताना है। वो तो जो गिर रहा है कंप्रेसर ऑयल ही है, आप देख सकते हैं। और ये मैं आवाज का कटिंग आवाज निकाल दिया क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है ये, इसलिए मैं आवाज नहीं लगाया। देख सकते हैं इसमें कंप्रेसर का ऑयल जो भी गिर रहा है, एडिट कंप्रेसर है। और हम कंप्रेसर के अंदर क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज रहता है, आपको पूरा बताने वाला हूँ मैं। पूरा फुल वीडियो देखिए आप, कुछ भी समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, जो भी है खुला बताएंगे। अब देखो ये सेपरेट कर रहे हैं, ये जो बाजू में है ये फिल्टर से, देखो ये सेपरेट हो गया अभी, देखो ये पार्ट सेपरेट है। ये कंप्रेशन का पिस्टन जैसा चीज है, ये पिस्टन जैसा चीज है। और इसके अंदर वाइंडिंग जो भी है, वाइंडिंग मोटर है, इसे ये पिस्टन है। ये देखिए पिस्टन ऐसा गोल घूमने वाला है, घूमते रहते कंप्रेस यही करता है। ओके देखिए, ये देखिए जो भी निकाल रहा है इसके अंदर वाइंडिंग रहता है, कॉपर वाइंडिंग। देखिए ये कॉपर वाइंडिंग है, ये देखो ये टर्मिनल है, कॉमन रनिंग स्टार्ट जो रहता है, टर्मिनल पिंस अंदर से नीचे से भी रहते हैं और ऑयल पी भी रहता है इसके अंदर। देखो ये जो है ऑयल पी पिंस जो दिख रहे, वायरिंग जो दिख रहा अंदर का, ये ऑयल पी कॉमन रनिंग स्टार्ट वायर से। अगर ये अपने को वाइंडिंग, देखिए ये देख सकते हो ऑयल पी का, ऑयल पी है ये ओवरलोड प्रोटेक्टर। अगर ये भी डैमेज हुआ तो भी अपने कंप्रेसर पूरा डेड हो जाता। ये ऑयल पी, ये तीन वायर है, जो भी वायर है तीन वाइंडिंग से ये होता है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट आके अपने को देखो ये वाइंडिंग पूरा ये वायर का ही है, ये मेन चीज यही है। शॉर्ट होने की वजह से कंप्रेसर डेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये क्या है कॉपर है। अब देख सकते हैं वेट बहुत वजन वाला ही है, इसमें वाइंडिंग इसमें से ही था मोटर में से। और देख सकते हैं कॉपर निकाला हुआ है इसमें, ये कॉपर का एक कार वायर जल के हाथ हुई है, ऐसा प्रॉब्लम आता देख सकते हैं आप पूरे। ये देखिए फिल्टर है, ये जस्ट कूलिंग फिल्टर से निकलता। ठीक है, ये वीडियो है अपना, अगर जो भी समझ में आया तो पूछो, कमेंट करो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वॉचिंग, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।